हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू नबीलाज प्लैनेट। आज के व्लॉग में होने वाली है कुछ मस्ती, कुछ बच्चों के साथ में बातें, और जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो है आज बनने वाली ग्रेवी वाली सब्ज़ी एक ट्विस्ट के साथ में, जो ये है मेरी मदर इन लॉ बनाती थी, बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बनती थी, मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है, तो मैं भी वही आज जो बनाने वाली हूँ। उनकी तरह तो उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी शायद, बट मैं जो है बनाती हूँ, मेरे बच्चों को हस्बैंड को काफ़ी पसंद आती है, आई होप आप लोग को भी शायद बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गुड गुड अशाज, यस यू वर सेइंग समथिंग। आई हैव अ सीक्रेट। ओके, आई नो दैट रियलमी पासवर्ड। व्हाट पासवर्ड? दैट इज रियलमी पासवर्ड, यू नो। यस, टेल एवरीवन अशाज, टेल एवरीवन। नो, ओह माय गुडनेस अशाज, टेल। ओके, अरे टेल मी। आई फॉरगॉट। यू फॉरगॉट? इन द मॉर्निंग यू सेड समथिंग। इन एवरी गेम आई वन। हां, in every game I will like a video, like, share, subscribe to which channel? channel. What is your channel name? Nabila's Planet. Yes. No, what? Gravity's upside down. Gravity's upside down. Yes. Who told you this? Hello, who is there? So you will answer all my question like this only? Yes. Okay. क्या position आया था आपका sports day? First, in how many games? In all the games. Achha, why you're doing like this? Because I like to do exercise, stretch out. And I have a special thing to do. A flip. Flip. Oh. I have a special thing. Special se. Yes. Good job. And I can do like this one. यहाँ पर देखिए बच्चों की मस्ती वगैरह सब ख़त्म हो गई थी और बातें उनकी ख़त्म हो गई, तो मैं आ गई हूँ अभी शाम में जो है सब्ज़ी लेने के लिए, जो मैंने आपको बताया है कि जैसे मैं जो सब्ज़ी बनाने वाली हूँ ग्रेवी वाली, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर जो है कुछ सब्ज़ियाँ लूँगी। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे फ्रेश फ्रूट्स हैं। बॉम्बे की यही बात है कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट बहुत ही अच्छे और फ्रेश होते हैं। यहाँ पर देखिए ये नेनवा है, करेला है, कैप्सिकम है, तो बहुत ही अच्छे फ्रेश से थे। जब भी ऐसे फ्रेश चीज़ें देखो ना तो मन भी बिल्कुल खुश हो जाता है और ऐसा लगता है हम अच्छी चीज़ अच्छी सब्ज़ी खा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं कैरेट ले लूँगी कुछ, जो है मेरे बड़े बेटे को काफ़ी पसंद है, उसको टिफ़िन में भी मैं दे देती हूँ, तो वो हिसाब से मैंने यहाँ पर वो ले लिया है। और देखिए कितनी अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ बिल्कुल फ्रेश ग्रीन लग रही है ना, सेम है। देखो करेला है और परवर की सब्ज़ी है जो बहुत रेयर मिलती है फ्रेश, तो वो भी थी। तो ये सारी सब्ज़ियाँ वगैरह जो मुझे था मैं लेकर आ गई हूँ, मैंने थोड़ी सी निकाल ली है, बाकी मैंने फ्रिज में रख दी है। मैंने हाफ से भी हाफ जो है यहाँ पर फ्लावर ले लिया है, उसको मैं अच्छे से कट करके चेक करूँगी कि क्योंकि अक्सर इसमें जो है कीड़े होते हैं, तो मैं उसको अच्छे से वही चेक करके कट कर रही हूँ ताकि उसमें कुछ कीड़ा वगैरह ना हो। तो इसमें आप अपने हिसाब से जो आपको वेजिटेबल्स पसंद है आप डाल सकते हो, बैंगन हो गया, सेम हो गई, और भी जो आपको सब्ज़ी पसंद है जितना आप डाल सकते हैं आप डाल सकते हो। इसमें कोई भी ऐसे रूल्स नहीं है कि ये सब्ज़ी डालनी है वो सब्ज़ी डालनी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ बीन्स ले लूँगी और मैंने ले लिया है कैप्सिकम और गोभी ले लिया है और आलू टमाटर, ये सब चीज़ें डालकर ही जो है मैं बनाने वाली हूँ। सॉरी टमाटर नहीं जाएगा, ये सब चीज़ें जो मैंने दिख रही है आपको प्लेट में यही सब चीज़ जो है मैं डालूँगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए सेम भी कट कर ली है, गोभी भी मैंने अच्छे से चेक करके कट कर ली है, और यहाँ पे ले ली हूँ मैं शिमला मिर्च एक, और फिर इतना ज़्यादा ना वेजिटेबल्स बच्चे खाते नहीं है, एक टाइम के हिसाब से ही मैं बना रही हूँ। दो ही आलू लूँगी, ज़्यादा आलू भी नहीं खाता है कोई घर में, हस्बैंड और मैं ही थोड़ा लेंगे। तो ये है मैंने यहाँ पर जो है ये सब्ज़ियाँ कट कर ली है, देखिए यहाँ पर इस तरह से हमको जो है पीस रखना है सारे वेजिटेबल्स का। अब मैं यहाँ पर इसको देखो भिगो दी थी पहले ही, ताकि जो भी उसमें कचरा होगा गंदा कुछ लगा होता है कीड़ा होता है अगर, तो वो ऊपर आ जाएगा साफ़ हो जाएगा, है ना। तो बस मैं यहाँ पर उसको जो है वॉश कर लूँगी। कि
कि ये सब्जियां ड्रेन होगी जब तक मैं यहाँ पर ले ली हूँ 8 से 10 जो है गार्लिक के क्लोव्स हैं और 2 छोटी मीडियम जो है प्याज ले लिया है मैं। इसको यहाँ पर जो है वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद जो है हमें जो इसका पेस्ट बना लेना है, तो बस मैं इसीलिए यहाँ पर वॉश करके इसका पेस्ट बना ली हूँ। अब यहाँ पर मैंने तेल जो है गरम कर लिया था, इसमें मैं डाल दी हूँ सरसों और फिर डाल देंगे हम करी पत्ता। ये डालने के बाद जो हमने पेस्ट बनाया अनियन गार्लिक का, वो हम इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा अनियन और गार्लिक देखिए मत डालिएगा, नहीं तो उसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा, ठीक है। जैसा मैं आपको बता रही हूँ क्वांटिटी के हिसाब से आप उतना ही डालो, अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आ पाएगा, बहुत ज़्यादा स्वीट और फिर वो गार्लिक का फ्लेवर इतना ज़्यादा, तो हिसाब से होना चाहिए। मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी भी जो है निकाल के जो जार में लगा था मसाला उसके साथ मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे है रेड चिली पाउडर, मैं ले ली हूँ 1 टीस्पून, तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और हल्दी पाउडर ले लिया है मैंने यहाँ 1 टीस्पून, 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर जाएगा, इसी से मेन ग्रेवी बनता है, तो यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। अब इसमें देखिए डाल दूंगी मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर, से कलर अच्छा आएगा। और ये जो है हमारा होममेड ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर है फ्रेंड्स, मैं ये डालती हूँ हमेशा अपने रेसिपीज़ में। इसमें जो है 70% ज़ीरा और 30% काली मिर्च होती है, तो वो हल्का सा उसको तवे पे बस भून लेना होता है, हल्का सिर्फ जो है उसमें जो नमी मॉइस्चर हो वो निकल जाए और पीसने में ईजी हो, तो बस उतना ही करके हम जो पीस के मैं अपना घर में ही उसको रखती हूँ ज़ीरा और काली मिर्च, तो वही पाउडर मैंने इसमें डाला है। अब वो डालने के बाद जो है हमें इसे अच्छे से भून लेना है 5 मिनट्स तक के मैं इसको भून लूँगी धीमी आंच पर, ताकि कच्चापन जो है मसालों का वो थोड़ा निकल जाए। बाकी और वो सब्जियों के साथ भी अभी भुनाएगा, आप अच्छे से देखिए, रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी फ्रेंड्स। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है, मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है। और देखिए जो मैंने वेजिटेबल्स धोकर रखी थी वो अब हम इस पॉइंट पर डाल देंगे। ये डालने के बाद भी जो है मसाले में ही हमको जो है वेजिटेबल्स भूनना है गलने तक। देखिए सारा मसाला वगैरह के साथ में अच्छे से मैं जो है इसको मिक्स कर लूँगी यहाँ पर। अब ये पॉइंट पर जो है मैं नमक ऐड करूँगी, ऐसे मुझे मसालों में नमक डालना नहीं समझ में आता है, तो वेजिटेबल्स देख के क्वांटिटी वो हिसाब से मैं सॉल्ट डालती हूँ। आप भी अपने हिसाब से जैसा है और टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर लीजिए। अब ये टाइम पे कैसे सॉल्ट डाल देंगे तो सब्ज़ी में से भी जो है थोड़ा पानी वगैरह जो रहता है उसका मॉइस्चर वो निकलेगा। हमको ऐसे ही जो है 10 मिनट्स के लिए उसको रख देना है धीमी आंच पर। और साथ में देखिए जो ट्विस्ट मैंने कहा था ये है, मैंने कर लिया है 2 एग को बॉईल। इस सब्ज़ी में फ्रेंड्स बॉईल एग भी जाएगा, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते, ये मैं डालती हूँ ताकि इससे जो है मेरे बच्चे जो है शौक से खा लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड को जो वेजिटेबल्स पसंद आती है बच्चों को वेजिटेबल्स नहीं पसंद आती है, तो मैं वो ऑप्शन एक डाल देती हूँ ताकि बच्चे जो है शौक से वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी खा लें अंडे के साथ में, और थोड़ा बहुत जो है बीन्स वगैरह वो ले लेते हैं। बाकी वेजिटेबल्स वो ना बटाटा भी नहीं खाते हैं और ना कोई और वेजिटेबल्स, बीन्स थोड़ी बहुत ले लेते हैं और एग के साथ वो खा लेते हैं शौक से, तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पर जो है 2 एग बॉयल कर लिए थे, बस अब वो भी हमको जो है ग्रेवी में डालना होगा। देखिए यहाँ पर सब्जियों के भी पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं वही उसे चेक कर रही हूँ हमें और कितना भूनने की ज़रूरत है। देखिए अच्छा तेल भी छोड़ दिया है, सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट भुना गई है, बट थोड़ी देर हम उसको अभी और भूनेंगे ताकि सब्ज़ी गलने तक, है ना, क्योंकि अभी जो है इतनी जल्दी तो वो सॉफ्ट नहीं हो पाएगी, तो थोड़ी देर और हम उसको जो है एक बार और भून लेंगे, फिर उसके बाद और पकने के लिए रख देंगे। देखिए अभी से कितनी टेम्पटिंग लग रही है ये सब्ज़ी। देखो धीमी आंच पे मैं इसको और जो है 10 मिनट्स के लिए रख दूंगी। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है सब्ज़ी मैंने पकने के लिए रखी थी और साथ में ही देखिए आप साइड में देख रहे होंगे एक पैन में मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया था इसमें जो है ग्रेवी लगाने के लिए। अब पानी गरम करके डालते हैं ना तो उसमें जो है ग्रेवी अलग अलग नहीं हो जाते, नहीं तो कई बार नहीं ग्रेवी अलग और उसमें मसाले अलग दिखते हैं पानी पानी जैसा, तो वो चीज़ नहीं होती अगर हम गरम पानी करके डालेंगे तो, है ना। यहाँ पे देखिए मैं आलू भी चेक कर रही हूँ, ये भी गल चुका है, ये देखिए गल गया एकदम अच्छे से। अब ये पॉइंट पे हमने जो पानी गरम किया है वो गरम किया हुआ पानी मैं इसमें डाल दूंगी जो हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए।
देखिए कितनी अच्छी रस वाली सिरवे वाली सब्जी बन रही है हमारी। देखिए सारा पानी मैंने डाल दिया, ऑलमोस्ट ये 1 कप होगा करीबन। अब ये पॉइंट पे हमने जो बॉईल एग करके रखा हुआ था वो भी हम डाल देंगे, और ग्रेवी पकने तक के हम जो इसको उसके साथ में पका लेंगे 5 मिनट्स और मैक्सिमम। उसके बाद जो हमारी ये ज़बरदस्त सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी सर्व करने के लिए। फिर ये टाइम पे हम जो है थोड़ा सा धनिया पत्ती से भी गार्निश कर देंगे ताकि उसका भी एक फ्लेवर आ जाए और कलर आ जाए अच्छा सा। कैसी लगी फ्रेंड्स आपको ये सब्ज़ी और मेरा व्लॉग? अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।